हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, आप भी होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। बस 10 से 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, लेकिन ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अब ध्यान देना है, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका आने वाला है, और अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सिर्फ अगर हम माने, आप लोग जानते हैं जैसे कि 28 मई को पेपर है, तो 28 मई तक तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। तो हम अगर माने 25 मई से, तो 25 मई से अभी तक जो समय है, लगभग में आप लोग निकालेंगे तो 138 दिन लगभग में निकल के आएंगे। तो ये 138 दिन है, आप इसमें कैसे अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे। और आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को संभलना बहुत जरूरी है। और जो विजन की आप लोगों को हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, विजन की जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी जो हम पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफी लगभग में आप लोगों का 25 लेक्चर में हम आप 25 क्लासेस देंगे, और इस 25 क्लासेस से कम ही होंगी, मतलब ज्यादा नहीं होंगी। इसी में हम आप लोगों को ज्योग्राफी प्रिपेयर करा देंगे। ना केवल यहाँ पर ज्योग्राफी प्रिपेयर कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे, बल्कि इसके बाहर आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्योग्राफी आप लोगों का अभी इस जनवरी के खत्म होते होते ही ज्योग्राफी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो जनवरी खत्म होते होते आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, ज्योग्राफी के आप लोग एकदम महारथी बन जाएंगे। ओके, तो लेकिन इसकी क्लास को लेकर के आज महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा है जो आप लोगों का जो विजन का टेस्ट है, ये कल है। कल आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल सकती है या फिर लाइव क्लास होगी, वो आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं वो भी अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, आप लोगों की क्लास है वो मंडे को हो सकता है, हो आज और कल आप लोगों की क्लासेस ना हो, इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वाईफाई है वो अभी ठीक नहीं हुआ है। हम अभी आप लोगों के लिए कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे, वहां पर कोई टेक्निकल एरर आ गया है, हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है अक्सर, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों को एकदम परेशान नहीं होना है कि कल और आज की छुट्टी हो गई है और संडे को पता नहीं टेस्ट होगा नहीं होगा। तो संडे को तो टेस्ट डेफिनेटली होगा, वो चाहे रिकॉर्डेड क्लास मोबाइल से आपको प्रोवाइड कराएं, लेकिन मिलेगा। लेकिन आज की क्लास है, और जो कल वाली क्लास थी वो तो ऑफ थी, आज वाली क्लास भी ऑफ रहेगी, और मंडे को आप लोगों की क्लास होगी, तो ये भी हम कवर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आज और कल की आपकी छुट्टी हो गई है तो ये क्लास कवर नहीं कराई जाएगी, ये हम एक्स्ट्रा क्लास दे करके हम आपकी कवर करा देंगे। यानी कि आपकी क्लासेस की जो संख्या है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। देखिए, यूपीएससी की अगर हम बात करें, कैलेंडर है इसमें, जो कैलेंडर आया तो उसके अकॉर्डिंग 28 मई को पेपर है। तो 28 मई को अगर पेपर है, तो इसके हिसाब से लगभग में 138 दिन है ये बचे हैं। तो आप लोगों के लिए 138 दिन एकदम फोकस हो जाएगी। अगर आप लोग अपनी तैयारी को एकदम इम्प्रूव और एनहांस करना चाहते हैं, और इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो 138 दिन को आपको फुक फुक करके यूज करना है। देखिए, अगर कुछ लोग हैं अब दबाव में आगे होंगे कि यार, एक बहुत कम समय बचा है, अभी तैयारी नहीं हुई है, कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो इस बात में सोच सोच करके और अपनी तैयारी बेकार कर लेते हैं, तो आप लोगों को तैयारी बेकार नहीं करना है। अभी माहौल बहुत अच्छा है पढ़ाई का, ठंडी का मौसम है, ये माहौल होता है ना जो ठंडी का, इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बस आराम से रजाई में बैठे रहिएगा, मस्त पढ़ाई करिएगा, नींद आए तो कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, थोड़ा सा टहलिएगा। गर्मियों में ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो ठंडी का मौसम ही होता है पढ़ाई का, और बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग मौसम होते हैं। ये पढ़ाई का सबसे अच्छा अभी समय भी है, और आप लोगों के पास में टाइम भी है। तो देखिए, अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी प्रीलिम्स आने वाला है और हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो उनके लिए मैं इस बात से एकदम निश्चिंत करना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ती है, लगभग में 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। लगभग में जो 52-53 क्वेश्चन करते हैं प्रीलिम्स में, तो वो सिक्योर जोन में होते हैं। यानी कि 50 क्वेश्चन ही तो आपको क्या करना है, राइट करना है, और इन 50 क्वेश्चन के लिए आपके पास में अभी दिन 138 हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन को, अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन को अगर आप सही करने के लिए आपके पास में 2.5 दिन का समय है, क्या आप 2.5 दिन में अभी एक क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकते क्या? ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको एक क्वेश्चन सही करने के लिए आपके पास में अभी प्रिपेयर करने के लिए आपके पास में जो समय है, वो आपको 2 दिन से ज्यादा का समय है, मतलब 2.5 दिन का आपके पास में समय है। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर सोने के, अगर आप 8 घंटे भी सोइए, ठंडी में कुछ ज्यादा ही सोते हैं, तो 8 घंटे अगर आप सोते हैं तो भी आपके पास में 16 घंटे बचते हैं, और 16 16 32, और आप ज्यादा नहीं, और आप लोग 8 घंटे इसमें जोड़ लीजिए, तो आपके पास में लगभग में 40 घंटे का समय है। इस 40 घंटे में क्या आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यानी कि अभी आपके पास में इतना पर्याप्त समय है, अगर आपने अपनी रणनीति स्ट्रेटजी को अगर सही से बना लिया,
तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब सही कैसे बनाना है वो भी आप लोगों के लिए अभी बता देंगे। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन कैसे हम प्रिपेयर करें, तो देखिए अगर हम आपको बताएं, हम पॉलिटी है यहाँ से लगभग में 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ से ऑन एन एवरेज आते हैं, कभी कभार 17, 18, 20 तक देखने को मिल जाते हैं। तो पॉलिटी हम आप लोगों का प्रिपेयर कराती है। अब इसको आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है जाकर के देख लीजिए, बहुत ही कम वीडियो है, आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। हमने स्टार्टिंग की अगर हमारी वीडियो देख ली, पीछे का मेंस का ज्यादा है, अगर आप लोग हमारे लगभग 44 या फिर 48 लेक्चर होंगे पॉलिटी के, तो वो अगर आप लोग देखेंगे उसके स्टार्टिंग के जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, लास्ट के जो हम आपको पढ़ाए हैं उनमें मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो आप लोग इसके कुछ टॉपिक ही देख लीजिए, जैसे कि आपको प्रेम्बल देखने को मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेगा, डीपीएसपी देखने को मिलेगा, मूल अधिकार देखने को मिलेगा, न्यायपालिका देखने को मिलेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ओके, पंचायती राज, ये टॉपिक ही अगर कोर टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिए, तभी आप 10 से 11 क्वेश्चन लगाने में सक्षम होंगे। यानी कि यहाँ से आप अगर मोटा मोटा, और यहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं रिसोर्स आपको बहुत लिमिटेड पढ़ने हैं और आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले और भी हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए ज्योग्राफी की, किसकी बात करें, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी ये अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ज्योग्राफी से अगर हम बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी और जो इंडियन ज्योग्राफी और जो मैप होता है, यहाँ से ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तीसरा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स का, जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक्स जो है यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे लगभग में 15 क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। और इसमें अगर एग्रीकल्चर और थोड़ा सा अदर सेक्शन भी जोड़ देते हैं तो लगभग में 20 क्वेश्चन तक ऑन एन एवरेज यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक्स भी आप लोगों के लिए पढ़ा दी है। इसके अलावा चौथा आपको देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट एवं आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए इन्वायरमेंट एवं आपके लिए देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर। देखिए इन्वायरमेंट से और अगर आप एग्रीकल्चर से देखेंगे तो 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से और लगभग में 5 क्वेश्चन के अप्रॉक्स अभी एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस सेक्शन पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा आप लोग। देखिए इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर की बात करें तो 10 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, तो यहाँ से भी लगभग में आपके 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा आप लोगों का बचा आर्ट एंड कल्चर, छठा आप लोगों के लिए बचा आर्ट एंड कल्चर, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है, आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर से आप लोग देखेंगे तो मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन आप लोग अगर मान के चलेंगे तो यहाँ से पूछ लेता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा सातवां, जो आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा हिस्ट्री के जो अदर पार्टों के, जैसे कि हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। एशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से अगर हम माने, एशियंट और मेडिवल से माने, तो लगभग में आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे 5 क्वेश्चन मान लीजिए। वैसे मेडिवल हिस्ट्री से बहुत कम पूछता है, उस पर आपको समय भी कम देना है, इसको आप लोग बहुत ही कम, इसमें जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री है ना, तो एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट से हड़प्पा को थोड़ा सा पढ़ लिए, जो आपको बुद्ध जैन वाला पार्ट देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा पढ़ लिए, मौर्य काल मौर्य उत्तर काल अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिए, और गुप्त काल और गुप्त उत्तर काल अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा पढ़ लिए, तो उसी में आप लोगों का काम हो जाएगा। मतलब इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, मेडिवल हिस्ट्री को रफली वे में आप लोग पढ़ के निकल जाएंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हम आप लोगों के प्रिपेयर करा देंगे, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो आप लोगों के प्रिपेयर करा देंगे, प्लस करंट का पार्ट, करंट अफेयर, ओके, करंट अफेयर, तो करंट अफेयर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से, और प्लस इसमें मैप भी कर लीजिएगा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से लगभग में 5 क्वेश्चन आ जाता है। और मैपिंग से भी अगर आप लोग देखेंगे तो वैसे हम ज्योग्राफी में ऐड करा दिए थे, लेकिन अलग से आप लोग लिख लीजिएगा, वो 10 क्वेश्चन है, उन 10 क्वेश्चन में ही इंक्लूड रहते हैं ये मैपिंग के, तो लगभग में 4 क्वेश्चन है वो मैपिंग से भी आप लोग पूछे जाते हैं। करंट से अगर आप लोग देखेंगे मोटा मोटा लगभग में 20 क्वेश्चन के करीब में आ जाते हैं, ऑन एन एवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। लेकिन करंट पर आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब देखिए क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अब आप लोगों के लिए अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा मैनेज करना है। जैसे देखिए आपको पॉलिटी देखने को मिलेगा, देखिए जो ये पॉलिटी है
इसमें अगर आप लोग बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी अगर आप लोग एफर्ट लगा लिए, इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए पढ़ना नहीं है, कम पढ़ करके आप यहाँ पर मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। अगर 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप 13 क्वेश्चन तक आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। यहाँ पर 15 के 15 तक लोग क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं जब पॉलिटी को लोग सॉल्व करते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है ये हम आप लोगों के लिए अभी पढ़ा रहे हैं, जनवरी में आप लोग बहस है मुक्त हो जाएंगे ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी अगर 8 क्वेश्चन पूछता है ना, इसमें मैपिंग के भी इंक्लूड है, तो आप लोग हम लिख करके दे सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर 8 क्वेश्चन लगाने में क्या होंगे, एकदम सक्षम होंगे। 8 नहीं तो 7 मान लीजिए, 7 लगाने में आप लोग क्या होंगे, एकदम सक्षम होंगे। ज्यादा आप लोगों के लिए माथापच्ची नहीं करना है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, ये भी आप लोगों के लिए पढ़ा दिया है, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए ना, तो 10 क्वेश्चन आप लोग लगा दें, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा करंट बेस होता है, थोड़े से ऐसे शब्दावलियां होती है जो हम समझ नहीं पाते, तो इंग्लिश की शब्दावलियां जरूर देखिएगा, तो आप लोग लगाने में सक्षम हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन अच्छे खासे और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से अगर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग लगभग में 12 से 13 क्वेश्चन आप लोग लगाने में सक्षम होंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन में से आप लोग 9 क्वेश्चन लगाने में सक्षम होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एकदम आपके फ्री फ्री के नंबर है। अगर देखिए आप लोग इन्हीं को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, जैसे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और 43 क्वेश्चन, तो क्या हो गए, यहाँ से ही हो गए 43 क्वेश्चन। ये जो हम मोटा मोटा माने, तो 43 क्वेश्चन तो क्या हो गए, यहाँ से ही आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका पॉलिटी प्रिपेयर है, ज्योग्राफी है, अगर आपने नहीं अगर कवर किया है, तो आकर के लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा, और लगभग में 30 से 24 दिनों के अंदर ही आप लोगों का सिर्फ 2 घंटे, तो हम कह रहे हैं कि आपके पास में 24 घंटे का समय होता है, इस 24 घंटे में से आप लोग 8 घंटे सोइएगा, 16 घंटे बचता है, 16 घंटे में 2 घंटे हमें दीजिएगा, शेष 14 घंटे में आप कुछ भी पढ़िएगा। 14 घंटे आपके पास में है, सिर्फ 2 घंटे पढ़ करके ही आपको ज्योग्राफी हम निकलवा देंगे, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ओके, तो देखिए ये भी आपको प्रिपेयर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स तो हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, और 10 नंबर तक आप लोगों को प्रिपेयर भी करा दिए हैं, और अब करंट आएगा ना, तो प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो वो ये 10 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने वाले, लिख करके ले लीजिएगा। देखिए 5 क्वेश्चन का हम दावा नहीं करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हार्ड होता है। पॉलिटी में हम आपके 15 के 15 सही करा सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में 15 के 15 सही कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंज भरा काम हो जाता है। लेकिन जो करंट में थोड़ी सी ज्यादा रुचि रखते हैं, तो और शब्दावलियों को इंग्लिश में भी देखते हैं, तो वो अच्छे खासे क्वेश्चन कर ले जाते हैं इकोनॉमिक्स के। और इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर है, इसके भी हम आपको यहाँ तक प्रिपेयर करा देंगे कि आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें योजना थोड़ा सा देखना पड़ जरूर जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए हम इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे। और हिस्ट्री, तो हिस्ट्री अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो हिस्ट्री हम आप लोगों को फरवरी में पढ़ाएंगे, मतलब अगले महीने में जो हिस्ट्री है फरवरी में, लगभग में सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपेयर करा देंगे। और 15 दिन का जो समय बचेगा, उसमें आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे, और कोई आर्ट एंड कल्चर है वो लगभग में हम 12 लेक्चर उस पर प्रोवाइड कराएंगे, तो फरवरी में ये पूरा आप लोगों का फिनिश करा देंगे। तो देखिए 10 नंबर ये, 43 नंबर तो कहाँ से हो जाएंगे, आप 43 क्वेश्चन तो आप लोगों के यहाँ से हो जाएंगे। और इसके अलावा देखिए, जो अगर ये हिस्ट्री 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आप इधर से लगाने में आराम से सक्षम होंगे। आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ से भी आप 3 क्वेश्चन लगाने में आराम से सक्षम हो जाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन, ये तो क्या होते हैं, फ्री फ्री के नंबर होते हैं, मैप और जो ये वाले आपको नंबर देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन वाले फ्री फ्री के नंबर होते हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। करंट अफेयर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, करंट अफेयर से अगर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, तो इनमें से आप बहुत ही कम मेहनत भी करेंगे, तो आप लोग 10 क्वेश्चन लगाने में सक्षम हो जाएंगे। और 20 के 20 प्रिपेयर करने में एकदम बेवकूफी है, अगर आप सोचते हैं करंट अफेयर के अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन अगर हम लगा देंगे, मैं इतना पढ़ूंगा करंट अफेयर, सब कोचिंग की अगर मैं मैगजीन पर डालूंगा, तो भी आप 20 के 20 क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप ये सोचिए, करंट अफेयर से लगभग में 20 क्वेश्चन के अप्रोक्स में पूछे जा रहे हैं, कभी कभार 25 क्वेश्चन भी हो जाता है, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब आप इसमें पूरे दिन के 3 घंटे अगर इसी में देते हैं, तो ये तो आपकी क्या स्ट्रेटजी गलत है। आप क्या करिएगा, यहाँ पर करंट अफेयर पर समय कम दीजिएगा, और चीजों पर जो आपके 43 नंबर जहां से एकदम पक्के पक्के आप लोगों के लिए फ्री फ्री में मिल रहे हैं, यहाँ पर आप समय ज्यादा दीजिए। यहाँ दिन के 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे आप व्यतीत करिए इनके साथ में, और आपको इसके साथ में समय जो आप 6-7 घंटे दिन का बर्बाद कर देते हैं, यहाँ से समय सेव करिए, यहाँ इसको 1.5 घंटे 2 घंटे दीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं देना है।
और आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं, और आप लोगों का आराम से पेपर क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, परेशान नहीं होना है एकदम आप लोगों के लिए। ओके, तो जो ये फ्री फेंड के नंबर होते हैं, और देखिए जैसे ये क्वेश्चन है ये थोड़े से कम ज्यादा होते रहते हैं, जैसे कि अगर हमने जैसे पॉलिटी के आपको यहाँ पर बताए हैं 15 क्वेश्चन, लेकिन आप लोग देखेंगे लास्ट ईयर 11 क्वेश्चन ही पूछा गया था, उससे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो 10 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप 2019 से 20 के बीच में देखेंगे तो वहां पर 18 18 17 17 क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन क्वेश्चन है एक कम ज्यादा थोड़े बहुत होते रहते हैं, एकदम एक्यूरेट नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक से 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 ही आएगा, कभी कभार 22 भी पूछ लेगा, कभी कभार 16 भी पूछ लेगा, तो हम लोग एक मोटा मोटा अनुमान लेकर के चलते हैं। तो इस तरह से आपको तैयार करना है, ये समझ लीजिए सिलेक्शन दिलाने में ये आपकी बहुत बड़ी भूमिका रखेगा। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हम देखिए पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके नोट्स भी बना रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, अभी हम बना रहे थे इसके, अभी मतलब थोड़ा सा बचा है, 40 पेज अभी बचा हुआ है इसके नोट्स बनाने के लिए, 40 पेज का बना दिया, 80 पेज में है। तो समझ लीजिए ये जो 5 नंबर है ना फ्री फेंड के आप लोगों के लिए दिलवा देंगे फ्री फेंड के लिए। तो 43 क्वेश्चन तो आप लोगों के इधर ही हो गए थे, और अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ से ही आप लोगों के क्या हो गया सिलेक्शन, तो इधर ही से हो रहा है। करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन तो आप अगर बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे ना, एक दो बार ऐसी सरसरी निगाहों से अगर आप लोग देखे हुए होंगे, जैसे आपने कभी न्यूज़पेपर देखा होगा, कभी इधर उधर घूमते टहलते देख लिया होगा, टेस्ट सीरीज में कभी कोई क्वेश्चन देख लिया होगा, उसी से 20 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के भी आप लोग सही कर देंगे। तो ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन तो आपके कैसे हैं एकदम हलवा की तरह अगर प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना है। हम बार बार बोल रहे हैं कहां करंट अफेयर पर सबसे ज्यादा लोग समय बर्बाद करते हैं, और दूसरा टेस्ट सीरीज पर सबसे ज्यादा समय लोग बर्बाद करते हैं। आपको क्या करना है, रिविजन ज्यादा करना है, फिर टेस्ट सीरीज लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करने लगते हैं, जैसे विजन को उठा के लाएंगे, उनमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका जो सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, उस सोल्यूशन को प्रिपेयर नहीं करना है। टेस्ट सीरीज हमेशा आपको इंप्रूव और एनहांस करने में मदद करती है, आपके सेल्फ एनालिसिस में आप कैसे अपना असेसमेंट करेंगे उसके लिए टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं कि टेस्ट सीरीज में सोल्यूशन है वो इतना पढ़ लेंगे और हमारा पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप लोग उनके आंसर रटना बंद कर दीजिए, सिलेक्शन वो आपके कभी भी नहीं दिलाएंगे, बस टेस्ट सीरीज है वो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट करके अपने उस क्षेत्र को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं जो क्षेत्र अभी आपका छूट गया है, मतलब जो भी पार्ट आपका रह गया है। तो आपको क्या करना है, एकदम परेशान नहीं होना है, डिमोटिवेट कभी नहीं होना है कि 2 दिन की क्लास यार छुट्टी हो गई क्या होगा। ये समय जो है अपने आप को मोटिवेट रखने का समय है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। अगर जैसे कि वाईफाई नहीं चल रहा था हमारा, तो हम सोचते यार वाईफाई नहीं चल रहा, परेशान हो गए एकदम और परेशान हो जाते, नहीं हमने सोचा कि वाईफाई नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, क्लास नहीं देंगे आप लोगों के लिए, हम अपनी पढ़ाई अपनी वैसे ही जारी रखेंगे और आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोगों के लिए हमने कहा कि चलो जब क्लास होगी तो 2 घंटे की 3 बजे से आप लोगों की क्लास होती है, 3 PM से लेकर के आपकी 5 PM तक क्लास होती है ना, हमने सोचा कोई बात नहीं है 5 PM की जगह हम 6 PM तक पढ़ाएंगे और जो आपका 2 दिन का छूट जाएगा वो आपका प्रिपेयर करा देंगे, कौन सी समस्या वाली बात है। तो इसमें उतना दबाव नहीं लेना है जितना दबाव कुछ लोग लेने लगते हैं, यार पेपर इतना नजदीक आ गया है और क्लास छूट जाएगी तो क्या होगा, या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आज हमारा समय बर्बाद हो गया, आज हमारा बुखार आ गया, या फिर लड़कियां सोचती हमारे पीरियड आ गया तो हमारा क्या होगा, 4 दिन हमारे बर्बाद चले जा रहे हैं। परेशान नहीं होना है, अपने आप को मैनेज करके रखना है कि अगर मेरे 2 दिन बर्बाद हो रहे हैं तो इसको मैं कैसे अपना इसको कवर कर सकता हूँ और इसको कैसे कंपेंसेट कर सकता हूँ, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कभी भी आप लोगों के लिए झुकना नहीं है, यूपीएससी क्या कहता है अपने आप को आप मैनेज करिए, आप दूसरे से नहीं पूछेंगे, ऑफिसर होंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, अपने नीचे से अधिकारियों को आदेश देना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, ना कि ये पूछना पड़ेगा फोन लगा के हाँ हमें क्या करना चाहिए साहब, तो नहीं आपसे बोला जाएगा अपना जिला संभालो तो जिला संभालो। तो देखिए ज्योग्राफी है तो देखिए आपका पॉलिटी है वो प्रिपेयर करा दिए, आप लोगों का ज्योग्राफी है वो अभी प्रिपेयर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स है वो आपका प्रिपेयर हो चुका है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री है वो फरवरी में आपका प्रिपेयर करा देंगे, आर्ट एंड कल्चर है फरवरी में आपको प्रिपेयर करा देंगे। तो देखिए यहाँ से ही आप लोगों के लगभग में 40+ क्वेश्चन है वो आपके सही हो जाएंगे, और आप लोग थोड़ा करंट अफेयर का भी देखिएगा और चीजें, और मार्च में आप लोगों का सिर्फ 2-2 घंटे आप ऐसे ही हमारे साथ में पढ़ते रहेंगे तो मार्च में आप लोगों का अदर सेक्शन जैसे कि साइंस टेक वाला हो गया, एनवायरमेंट वाला हो गया, ये आपका कवर करा देंगे एकदम, नहीं आपका जब पेपर आएगा ना तब तक आपको राजा बाबू बना देंगे, बस लगे रहिएगा आप लोग।
अब आप लोगों के लिए कम से कम जो अपनी तैयारी करनी है, कम से कम 8 से 10 घंटे देना है। आप हमेशा 8 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, 16 घंटे नहीं पढ़ सकते, हम जानते हैं। लेकिन जब पेपर के 2 से 3 महीने बचते हैं, उस समय आपको कम से कम 10 घंटे तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। ओके, उससे कम नहीं करनी चाहिए। पूरे साल कोई 10 घंटे नहीं पढ़ पाता है, ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे का ही समय निकल पाता है। लेकिन अभी जो 2 से 3 महीने हैं, जो 3 4 महीने हैं, इनमें आप लोगों को 10 घंटे पढ़ाई करनी है। रो करके निकालिए, हंस करके निकालिए, कैसे भी निकालिए, और थोड़ा सा आप लोग सी सैड और थोड़ा सा रीजनिंग है ना, थोड़े थोड़े डेली आप लोग 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाते रहिएगा। सी सेट को मत भूलिएगा कि आप लोग जीएस का तो हम प्रिपेयर करा दिया, पता चला सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सी सेट के लिए क्या करना है, ज्यादा नहीं करना है। देखिए, सी सेट क्वालिफाई करने के लिए, सी सेट क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 चीजों पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। एक मैथ पर, जिससे गर्ल्स हैं वो बहुत ज्यादा डरती हैं, तो मैथ मैथ के आप लोग लगभग में 5 क्वेश्चन पर डे लगाइए। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि वीक में 2 बार 2 दिन आप लोग एक एक दो दो घंटे दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा रीजनिंग पर भी फोकस करिए, ओके, रीजनिंग पर भी फोकस करिए। इसके अलावा थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन है वो उसको भी देखते रहिए। रीजनिंग के भी लगभग में आप लोग क्या करने हैं, लगभग में 5 क्वेश्चन डेली लगाते रहने हैं। बस इतने से आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, एकदम परेशान नहीं होना। जो लोग पीसीएस का पेपर देते हैं, वो लोग थोड़ा सा हिंदी भी, जैसे कि तत्सम तद्भव हो गया, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, संधि विच्छेद हो गए, ये 4 से 5 टॉपिक हिंदी के आप लोग देख लीजिएगा, आपका सी सेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। जो लोग यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं, देखिए यूपीपीसीएस का भी पेपर आ गया, एक गंदा काम कर दिया, एक गंदा काम पीसीएस वाले ने क्या कर दिया। अभी नोटिफिकेशन 1 जनवरी को ही निकाला, इस 1 जनवरी के नोटिफिकेशन में एक दिक्कत कर दी कि यहाँ पर जो पेपर है, जो पीटी का एग्जाम डेट है ना, तो ये कितने को कर दिया है, 14 मई को कर दिया। पहले ये जून में होने के लिए था, मतलब ये जून में होने के लिए था, लेकिन अभी 14 मई को कर दिया। ये थोड़ा सा गड़बड़ किया, बाद में करते तो हमें पीसीएस को प्रिपेयर करने का समय मिल जाता है, लेकिन अभी इन्होंने ये थोड़ा सा नालायकी कर दी है, समस्या कर दी है। लेकिन बच्चे हैं वो अभी मैनेज कर सकते हैं, आप लोग अभी मान करके चलिएगा। जो एक्स्ट्रा मेरे पास समय है, तो जो 14 मतलब 1 से 1.5 वीक का जो समय मिलता है, मैं उधर टाइम देता पीसीएस के लिए, वो अभी दे देता हूँ, फिर बाद में मुझे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर पीसीएस वाले अगर आईएएस के बाद अगर पेपर रखते, तो हम लोगों के लिए इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर अभी प्रॉफिट थोड़ा सा हम लोगों के लिए कम होगा, लेकिन अभी से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर बाद में हमको पता चलता तो मैनेज नहीं कर पाते भले ही, लेकिन अभी समय पर्याप्त है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले अपने आप को ऐसे जोन में नहीं रखना है जहां पर नकारात्मक वातावरण बना हुआ है। सकारात्मक वातावरण में आप अपने आप को हमेशा रखिएगा, और सकारात्मक वातावरण में आप अपने आप को हमेशा रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा। नकारात्मक चीजें पीछे बहुत तेजी से खिंचती हैं आपके, लेकिन उनको दूर रखना है। ओके, चलिए इस, और हाँ एक चीज आप लोगों को बता देते हैं कि सुना देते हैं, एक तो एयरटेल वाले पता नहीं कैसे कैसे लोगों को, पता नहीं कैसे कैसे लोगों के लिए रख लेते हैं। तो देखिए आपको सुनाते हैं। तो अभी करेंटली टेम्परेरी डिस्कनेक्ट की गई है, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग वापस रिचार्ज कर दें, बिकॉज आपका जो कनेक्शन है प्रीपेड कनेक्शन है, उसमें आप पहले रिचार्ज करते हैं, जब उसके बाद आप यूज करते हैं। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने बिल प्लान के अकॉर्डिंग वापस से रिचार्ज कर लें, डेफिनेटली आप प्रॉपर तरीके से इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है रिचार्ज करने के बाद आप केवल मॉडम पे एक बार रिस्टार्ट कर लें, डेफिनेटली आपका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। ये देखो, अभी मैंने बीच में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, एक्चुअली क्या था, मैंने कॉल लगाया कि कल भाई कल कॉल किए थे सुबह को, तो बोले कि शाम को आपके नेट चल जाएगा, शाम को किए थे तो बोले कि सुबह तक चल जाएगा, अब आज सुबह को किए तो कह रहे हैं आपका रिचार्ज ही नहीं है। हाँ, पहले बोले कि मैं अभी 2 मिनट में देख करके चेक करके बताती हूँ क्या समस्या है, बोले कि आपने रिचार्ज नहीं कराया, तो मुझे ये समझ नहीं आया क्या चेक करके देखा था कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा भाई रिचार्ज तो करा लिया, 4 तारीख को 6 तारीख को ही रिचार्ज खत्म होता है। तो देखिए वो सारी चीजें हुई थी, फिर आप लोग सुनिएगा। देखिए फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे करके सुनाता हूँ, क्योंकि इसमें बीच में ये बहुत देर के लिए होल्ड कर देते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए अगर होल्ड आपने करें। जनवरी में पेमेंट तो किया है सर, राइट, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी आपने नवंबर मंथ में कोई भी पेमेंट नहीं किया था, राइट, जिस कारण से आप नवंबर मंथ बाद आप फिर से देखिएगा, हमारा ये प्लान है, मतलब ये जो मॉडल है वो शिफ्ट हुआ था मैम।
पहले क्या हुआ, पहले इन्होंने ये भी नहीं पता लगाया पहले हमारे रिचार्ज थे, फिर हमने कहा कि रिचार्ज तो हमने करा लिया, बोले कि सर आपने रिचार्ज तो जनवरी में कराया है लेकिन आपने पहले रिचार्ज नहीं कराया था इस वजह से आपका इंटरनेट बंद हो गया। और इन बेवकूफों को कौन बताया कि हमारा जो प्लान है वो प्रीपेड प्लान है, और प्रीपेड प्लान में जब तक आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तब तक आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं आपने नवंबर में रिचार्ज नहीं कराया था इसलिए आपका अभी रिचार्ज नहीं चल रहा है, वो शिफ्ट हुआ था इसी वजह से। तो ये लोग पता नहीं कैसे कैसे को बैठा लेते हैं, इनको आधी जानकारी तो होती नहीं, और कहते हैं अभी हम आपकी जानकारी देख करके पता कर रहे हैं। और ये मोहतरमा जी ऐसी हैं, पता नहीं क्या देखती थी और फिर बाद में कहती थी कि मैं सर दोबारा से अभी होल्ड करके देखती हूँ, तो फिर से वो चीज देखती थी, फिर मुझे बताना पड़ता था। इससे अच्छा तो मैं वो सारी चीजें जानता ही था जो ये हमको बता रही थी। मैंने कहा भाई भाई जो समस्या है वो समाधान कर दीजिए, देखिएगा आगे। मैम दिसंबर से हमारा चला था, फिर दिसंबर से मैम जनवरी में अब दोबारा से अब स्टार्ट हुआ ना, मैम इसी मंथ का तो रिचार्ज पाया हमने। मैम देखिएगा हमारा जो है ये चेंज हुआ है, ट्रांसफर हुआ है मैम। ओके लाइन पे फोन चेक करके आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। बिजनेस चेक करने के लिए क्या मैं आपका कॉल होल्ड पे रख सकती हूँ? कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर, हम सब कॉल पे माफी चाहूंगी। आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी सर, आपके रिचार्ज करने के बाद ही आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा, उसके रिगार्डिंग मैं कंप्लेन रजिस्टर कर देती हूँ कि जो हमारी टीम है वो चेक कर लेगी क्या रीजन जिस टाइम से आपके रिचार्ज करने के बाद ही आपका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, टेम्पररी डिस्कनेक्टेड है, उसके रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेंगे लाइन पे। कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए क्या मैं आपका कॉल होल्ड पे रख सकती हूँ? आपको जो रिजोल्यूशन का टाइम दिया है 9 तारीख का 10:06 आप वेट कर ले बिकॉज आपने रिचार्ज कर लिया है लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी बैलेंस नहीं शो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है आपने को पेमेंट किया है। जी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी आप 9 तारीख तक वेट करें, डेफिनेटली हमारी टीम जो खुद आपसे कॉन्टेक्ट करेगी या फिर आपका 9 तारीख तक हमारा चलेगा ही इंटरनेट का। सर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी अभी जो आपको एस्टिमेटेड टाइम दिया गया है वो 9 तारीख की पॉसिबिलिटी है, उससे पहले ही वो आपसे अब देखिए ये 9 तारीख तक हमारा इंटरनेट है वो अभी नहीं चलेगा, मैंने आप लोग सुनाया था। एक्चुअली इन लोगों को यही नहीं पता कि रिचार्ज हो गया, तो रिचार्ज तो वहां पर हो गया लेकिन इसमें ऐप में अपडेट नहीं किया गया था और कोई सिस्टम जनरेटेड कह रहे हैं कि एरर है, तो उसको हमें सॉल्व करने रिसॉल्व करने में हमें मतलब सोमवार तक का समय लगेगा, तो इस वजह से आप लोगों की जो क्लासेस है वो आज नहीं हो पाएगी। मैंने सोचा आप लोग लिए इन्फॉर्म कर लूँ, सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और आपको ये भी बताना थोड़ा सा ज़रूरी था कि किस तरह से आप लोग प्रिपेयर करें। हम वैसे एक डेडिकेटेड वीडियो हम प्रीलिम्स पर लेकर के आएंगे कि आप लोग कैसे प्रीलिम्स पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। ये तो हमने ऐसी रफली वे में आप लोगों को बता दिया लेकिन स्मार्ट वे में आप लोग कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने राउंड में पेपर को सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों के लिए बताएंगे। ओके तो चलिए जय हिंद जय भारत, यहाँ पर ही मैं लेक्चर को फिनिश करते हैं। आप लोगों की मंडे को क्लास होगी, एक मंडे को जो हमारी विजन की ज्योग्राफी की क्लास चल रही है वो हमारी 3 बजे से ही होगी, 3 PM पर आप लोगों की क्लास होगी, वो शेड्यूल कर दी जाएगी। और कल आप लोगों का विजन का टेस्ट है वो सॉल्व कराया जाएगा, अगर हमारा वाईफाई चलने लगा तो लाइव सॉल्व कराएंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके मोबाइल से अपलोड करके हम आपको देंगे। जैसे आज वीडियो अपलोडेड मिल रही है ऐसी ही वीडियो मिलेगी अपलोडेड, परेशान नहीं होना है। ओके तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ओके तो कल एक सेकंड यहाँ पर अलार्म बोल गया, आप लोगों का कल यहाँ पर विजन का सॉल्व कराया जाएगा सुबह, विजन आइए संडे को सॉल्व कराया जाएगा कितने बजे 10 बजे 10 AM पर, रिकॉर्डेड मिलेगी या फिर मिलेगी, मिलेगी जरूर वीडियो। ओके तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर।